मानव को मांगना भी नहीं आता आज। कई 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 जवानों ने हमने आगे कहीं सवाल पूछा भी था कि आप लोग कहते हो कि फलाने को, ध्रुव को भगवान प्रसन्न हो गया, प्रकट हो गया, प्रहलाद जी को प्रकट हुए, कहा मांगो मांगो, सुग्रीव को कहा मांगो मांगो, मनु महाराज को कहा मांगो मांगो, आजकल भगवान प्रकट क्यों नहीं होते, भगवान क्यों नहीं आते और मांगो मांगो क्यों नहीं कहते? इसका कारण है, हम जब छोटे थे ना तो वो बच्चों की कहानी आती थी, आप लोगों ने सुनी होगी, एक लंगड़ा था और एक अंधा था, दोनों काम कर नहीं सकते थे, पेट तो भरना था, तो क्या किया, दोनों ने पार्टनरशिप की और बाजार में जाकर भीख मांगते थे। अंधा चल नहीं सकता था, बाकी सशक्त था, लंगड़ा चल नहीं सकता था, बाकी देख सकता था, तो सशक्त जो अंधा था वो लंगड़े को अपने कांध पर बिठाकर बाजार में ले जाता था, वो देखकर बताता था कि भाई देखो इधर चलो इधर चलो, यहां से भीख मांगे यहां भीख मांगे, फिर जैसे दिन पूरा हो जाए ना तो जो भी रुपया इन दोनों ने भीख मांगी होती थी वो आधा आधा कर लेते, आधा लंगड़ा का आधा अंधे का। बाकी हमने सुना है कि संपत्ति के साथ यदि साधना नहीं रही ना तो संताप होता है, संताप, तो ये दोनों में भी तो आ गया। अंधा ने सोचा कि यदि मैं लंगड़ा को मेरे कान पर नहीं उठाता और घुमाता नहीं तो ये भीख कहां मांगता, और अंधे को विचार आया कि मैं इनके कान पर तो बैठा हूं, बाकी मैं उनको सही रास्ता न बताऊं तो ये अंधा जाएगा कहां और भीख मांगेगा कहां। तो दोनों ने एक बार पैसे इकट्ठा कर सायंकाल को आधा आधा कर रहे, तो दोनों ने आपस में एक लड़ाई शुरू होगी। अंधा ने कहा कि देख भाई मैं तो तेरे को उठाता हूं, सारा भार मैं ही, मेरे कान पर है, तो 70% मेरे को मिलना चाहिए और 30% तेरे को मिलना चाहिए। लंगड़ा ने कहा कि अरे भाई मैं देखता हूं तभी तो तू मेरे को ले जाता है, मैं सही रास्ते पर मैं ले जाता हूं तभी तो इतना रुपया आता है, मैं बताता नहीं तो रुपया कहां से, तो 70% मेरे को मिलना चाहिए 30% तेरे को मिलना चाहिए। और आपस में आ गए लंगड़ा और अंधा, आपस में लाठी मार, हाँ लड़ाई झगड़ा हो गया दोनों की, रुपया कितना था 125, इसी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। लक्ष्मी मैया ने देख लिया और ठाकुर जी को, महाराज जागो, क्या है देवी क्यों उठाया भाई, बोले ये एक लंगड़ा और अंधा ये आपस में लड़ रहे हैं 125 के लिए, आप कृपा करो इन पर प्रसन्न हो जाओ और दोनों को मालो माल कर दो कि ये दोनों आपस में जिंदगी भर लड़े ना, सिर्फ 125 के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अरे भाई देवी उनके भाग्य ऐसा है, रहने दो ना। बोले नहीं महाराज मेरे को दया आई है दोनों, जाओ ना आप कृपा करो ना उनके, उनका दुख को दूर कर दो। बोले देवी जब आप कह रहे हो तो मैं जाऊं, इसका अर्थ ये होता है कि हर एक पुरुष को अपनी पत्नी का कहना मानना चाहिए, वो जो भी कहे ऐसे करो। राधे राधे, नहीं तो दुखी हो जाए। ठाकुर जी भी करते हैं महाराज, तो वो तो आए मांगो मांगो मांगो, मैं प्रसन्न हो गया, और ये दोनों तो लाठी मार आपस में, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, बोले 70% मेरा 30% तेरा, और क्रोध में आए थे दोनों। भगवान ने कहा कि अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ, जो चाहिए सो मांगो मांगो मांगो, मैं बैंकुंठ तक मैं दे दूं, बाकी क्रोध में थे दोनों। क्रोध की जब जबान खुलती है ना तो विवेक आंख मूंद लेती है महाराज। भगवान ने कहा मांगो मांगो, तो पहले तो अंधा ने मांगा, अंधा ने कहा अरे महाराज मेरे पर प्रसन्न हो तो एक काम करो, बोले क्या, ये लंगड़े को अंधा कर दो। और लंगड़ा ने कहा कि महाराज इसको अंधा कर दो, अंधा ने कहा कि महाराज इसको लंगड़ा कर दो, आपस ये लंगड़ा ये भी अंधा आपस में आपस। भगवान तथास्तु कहकर लक्ष्मी जी के पास वापस आए, देवी मैंने तो कहा कि इन दोनों के भाग्य में भीख मंगे लिखा हुआ है, इसीलिए भगवान प्रकट नहीं होता, क्योंकि ये मानव को मांगना ही नहीं आता, वो दुनिया भर को अंधा कर देगा या किसी को लंगड़ा कर देगा, इसलिए वो आता नहीं आजकल, नहीं तो वो प्रकट हो जाएगा, आज भी प्रकट होने के लिए तैयार है, इसको मांगना नहीं आता, ये इसको अंधा कर देगा या इनको लंगड़ा कर देगा। हाँ,